महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से कछुआ गति से जारी सीवर लाइन कार्य आवाम के लिए अजाबेजान बनकर रह गया है। ऊबड़ खाबड़ सड़कें एवं दिन भर उड़ने वाली धूल जनता के लिए दर्दसर बनकर रह गई है। सीवर लाइन का कार्य कब पूरा होगा, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। सीवर लाइन के लिए जगह जगह गड्ढे करने के कारण रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे यातायात व्यवस्था भी डगमगा चुकी है। महानगर के झब्बू का नाला डिप्टीगंज रोड पर कई स्थानों पर सीवर लाइन के लिए गड्ढे किए गए हैं और रास्ता भी पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके कारण लोगों को बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ये रास्ते एक दो दिन या एक दो हफ्ते के लिए नहीं बल्कि महीनों के लिए बंद किए जाते हैं। इसका मुख्य कारण सीवर लाइन का कार्य कछुआ गति से किया जा रहा है। यही कारण है कि सीवर लाइन का कार्य आवाम के लिए अजाबेजान साबित हो रहा है। महानगर के बारादरी कचहरी रोड पर महीनों पहले सीवर लाइन के लिए गड्ढे खोदे गए थे, वो कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन सीवर लाइन के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत अभी तक नहीं कराई गई है, जिसके कारण दिन भर कचहरी रोड पर धूल उड़ती रहती है। दुकानदारों का दुकानों पर बैठना दूभर हो गया है। क्षेत्रीय नागरिकों की माने तो यहाँ ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर निकलने वाले वाहनों से कई हादसे भी हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और उनकी हड्डियों में फ्रैक्चर भी हो चुके हैं, लेकिन संबंधित विभाग इस ओर आंखें मूंदे हुए हैं। सिटी चैनल संवाददाता ने मंगलवार को बारादरी क्षेत्र की ऊबड़ खाबड़ सड़कों एवं झब्बू का नाला क्षेत्र में सीवर लाइन के लिए खोदे गए गड्ढों से होने वाली परेशानियों को जानने का प्रयास किया तो अनेक क्षेत्रीय नागरिक कैमरे के सामने आए और अपनी पीड़ा व्यक्त की। क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि यहां कई बुजुर्ग भी हादसे का शिकार होकर गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। उनका कहना है कि संबंधित विभाग, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी आदि विभागों के अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कार्य में तेजी नहीं लाई जा रही है और उसी कछुआ गति से कार्य जारी है, जिसके कारण उन्हें बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर धूल उड़ने के कारण स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। उनका कहना है कि कोरोना काल में एक ओर प्रशासन द्वारा जहां सफाई व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बारादरी क्षेत्र में सड़कों का पूरी तरह निर्माण कार्य न कराए जाने के कारण दिन भर धूल उड़ने से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। दुकानदार दिन में कई मरतबा छिड़काव भी करते हैं ताकि धूल से बचा जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी संबंधित विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्षेत्रीय नागरिकों ने सिटी चैनल के माध्यम से अपील की है कि बारादरी क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए ताकि क्षेत्रीय नागरिकों के साथ साथ यहां से गुजरने वाले राहगीरों को हादसों का शिकार न होना पड़े। क्षेत्रीय नागरिकों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए सिटी चैनल संवाददाता को बताया, सीवर लाइन पड़ी थी 4-6 महीने हो गए लगभग और ये अपना काम करने चलेगा, सड़क टूटी है, ये कोर्ट रोड है, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, ये रिक्शा पलट जाते हैं, बच्चे जाते हैं, वो गिर जाते हैं, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी और यहाँ पर धूल मिट्टी वगैरह जितने भी है, आज का मरीज लोग हैं वो बहुत परेशानी में है, रोड बहुत खराब है और आए दिन बच्चे गिर रहे हैं, बच्चे स्कूल को जाते हैं वो गिरते हैं, दूसरा हट जाते हैं। कितना टाइम हो गया सर उसको? 6 महीने हो गए लगभग। कोई शिकायत की आपने? शिकायत करी टीका डूबी का है, नगर निगम की का है, सुनवाई नहीं हो रही। क्या मांग करना चाहते हैं? मांग ये करना चाहते हैं रोड पड़ जाए, बहुत बड़ी समस्या है, तरह तरह की गाड़ियाँ एक्सीडेंट होती हैं, बच्चे निकलते हैं परेशान होते हैं, गाड़ियाँ तमाम बच्चे को चलपोट लग जाती है, ये रोड बननी चाहिए। इससे पहले की रोड वहाँ पर बन चुकी है लेकिन ये थोड़ा सा हिस्सा नहीं बन पा रहा, पता नहीं क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है, इस क्षेत्र वासियों को बहुत बड़ी परेशानी है। तमाम समस्या ये है कि दुकानों पर धूल जाती है, खाने पीने की चीज़ें रखी हुई है। कोई शिकायत की आपने? कोई शिकायत की आपने? शिकायत हम लोगों ने आई लेकिन कोई नहीं। कितना टाइम हो गया इसको? लगभग 5-6 महीने हो गए इसको खुले हुए और दो लोगों के कूलर टूट चुके हैं, यहाँ पर दो बुजुर्गों के जो हमारे मोहल्ले के रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है, सांस का मर्ज कैसे कहते थक है, क्या मांग करना चाहते हैं? अभी चाहते हैं कि बन जाए,